अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिका ने कहा है कि वे रूस से तेल निर्यात पर अंकुश लगाने के लिए ज़्यादा खपत वाले भारत समेत अन्य देशों के साथ संपर्क में है। हालांकि हाल में आयोजित G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई है। G7 देशों के नेताओं ने मंगलवार को संयुक्त बयान में कहा था कि रूस की तेल बिक्री से होने वाली कमाई को सीमित करने के लिए विकल्पों की तलाश वे कर रहे हैं। उधर ओपेक और ओपेक प्लस देशों की बुधवार को 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में नीतिगत स्तर पर कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इससे पहले जून में हुई बैठक में जुलाई और अगस्त से कच्चे तेल के उत्पादन में 6.48 लाख बैरल प्रतिदिन की बढ़ोतरी का फैसला किया गया था। अमेरिका ने ओपेक देशों के इस फैसले का स्वागत किया था। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक हालात लगातार बदलते जा रहे हैं, जिसे देखकर लगता है कि लंबे समय तक कच्चे तेल बाजार में अस्थिरता का माहौल बन गया है। कच्चे तेल की कीमतों के उच्च स्तर पर बने रहने की आशंका है। भारत में क्रूड की उपलब्धता भी एक चुनौती होगी। ऐसे में भारतीय कंपनी एक तरफ जहां रूस से सस्ती दर पर ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल खरीदने की तैयारी में है, वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक आपूर्तिकर्ता देश के साथ भी लगातार संपर्क में है। यही नहीं, भारत चालू वर्ष 2022 के दौरान अमेरिका से भी ज़्यादा क्रूड खरीदेगा और इस बारे में दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। अमेरिका से ज़्यादा छूट के लिए सरकारी व निजी कंपनियां एक साथ मिलकर सौदा करने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।